जोगेंद्रनाथ मंडल ने इस्तीफा दिया और बाबा साहब अंबेडकर को चार जिला से चुनाव में खड़ा किए। वो चार जिले थे खुलनार, जसोर, फिरोजपुर, बोरीशा। ये चार जिला से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव जीत कर गए। जैसे ही चुनाव जीत कर गए, गांधी जी ने वो चार जिले पूर्व पाकिस्तान को दे दिए। आप लोग जानते हो ये कहानी, पाकिस्तान क्यों बना? लोगों ने कहा कि मुसलमानों की वजह से पाकिस्तान बना। गलत, ये गांधी जी की वजह से पाकिस्तान बना, क्योंकि गांधी जी ने ऐलान किया था बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान के सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। ये तो गांधी जी ने ऐलान किया। अब बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में चुनाव हारे, लेकिन बंगाल के लोगों ने चुनाव जीतवा कर भेजा संविधान सभा में। गांधी जी को लगा कि ये लड़ झगड़ने वाला व्यक्ति संविधान सभा में आया, अभी ये अधिकार लेकर ही रहेगा। इसलिए गांधी जी ने प्लान बनाया और प्लान बनाकर गांधी जी ने भारत पाकिस्तान का मामला खड़ा किया और भारत पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया निर्धारित किया। जहां पर 51% मुसलमान होंगे वो एरिया पाकिस्तान जाएगा, और जहां पर 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। जिन चार जिला से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव जीत कर गए, वो चार जिला में 71% हिंदू थे, वो एरिया भारत में रहना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए वो चार जिले पाकिस्तान में दे दिए। अब बाबा साहब का शरीर भारत में था, सदस्यता पाकिस्तान चली गई थी। शरीर भारत में, सदस्यता पाकिस्तान में। गांधी जी ने और नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को कहा, मिस्टर अंबेडकर, अगर आपको संविधान लिखना है तो पाकिस्तान का संविधान लिखो, क्योंकि शरीर भारत में और सदस्यता पाकिस्तान में। फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ? बाबा साहब अंबेडकर ने ऐलान किया और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड, का मतलब है संविधानिक सुरक्षा, जो नहीं देगा। ऐसे किसी भी संविधान को मैं मानने वाला नहीं हूं। यह ऐलान किया कि अगर आदिवासियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी इस देश में, अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी इस देश में, अगर मुसलमानों को सुरक्षा नहीं मिलेगी इस देश में, या पिछड़ों को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो मैं ऐसे संविधान को मानने वाला नहीं हूं। क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था, तभी तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब को बुलाया था। अगर बाबा साहब का आंदोलन अगर एक राज्य का होता, एक जिला का होता, और जोगेंद्रनाथ मंडल जी से संपर्क नहीं होता, तो बाबा साहब बंगाल क्यों आते? जो बातें बताई जा रही। जय जोहर साथियों, डुअर्स तैयार, डुअर्स तराई आदिवासी संविधानिक अधिकार मंच के द्वारा एवं राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद और तमाम इस एरिया में जो आदिवासियों के जो संगठन कार्यरत है, उन सभी के द्वारा आज जो सामाजिक प्रबोधन कार्यक्रम इस नगरकाटा एरिया में आयोजित किया गया, और इस कार्यक्रम में जो पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, महाराष्ट्र से, अलग अलग क्षेत्र से जो आदिवासी भाई इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, उन सभी आदिवासी भाइयों का सबसे पहले मैं अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। साथियों, जिन जिन महापुरुषों ने इस मूल निवासी बहुजन समाज को, इस आदिवासी समाज को गुलामी से मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए जिन्होंने अपनी जिंदगी लगाई, उन तमाम मूल निवासी बहुजन समाज के आदिवासी महापुरुषों को सबसे पहले मैं अभिवादन करते हुए मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। साथियों, जो मुझे आज विषय दिया गया कि संविधान की पांचवी एवं छठवीं अनुसूची के बारे में जो जानकारी देने के लिए मुझे कहा गया, साथ में जो NRC इस देश में शुरू होने जा रही है, लागू होने जा रही है, अमल होने जा रही है, उस संदर्भ में भी मुझे बात रखने के लिए कहा गया। मैं ये दो विषय के ऊपर अपनी बात रखना चाहता हूं।
साथियों, सबसे पहले हम लोगों को एक बात जानना और समझना बहुत जरूरी है कि इस देश में एक बहुत बड़ा झूठ बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सबसे बड़ा झूठ जो बताया गया कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को इस मंच के द्वारा आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद नहीं हुआ, बल्कि एक ट्रांसफर ऑफ पावर बिल पारित हुआ। ट्रांसफर ऑफ पावर का मतलब होता है सत्ता का हस्तांतरण। यह देश आजाद नहीं हुआ। अगर आजाद होता तो हमारी हजारों समस्या नहीं होती। आजादी का मतलब होता है स्वतंत्रता। अगर आजाद होते तो इस देश में अमीर और गरीब नहीं होता। आजाद अगर हम लोग होते तो आदिवासियों को जल जंगल जमीन से नहीं खदेड़ा जाता। अगर आजाद हम लोग होते तो हम लोगों को नक्सलवाद के नाम पर नहीं मारा जाता। अगर आजाद हम लोग होते तो इस देश में 5वीं और 6वीं अनुसूची अभी तक अमल हो गई होती और इस देश के आदिवासी हुक्मरान बन गए होते। अगर आजाद हम लोग होते तो, अगर आजाद हम लोग होते तो आदिवासी समाज के लिए इस देश में अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाता, ताकि आदिवासी जिस धर्म को मानता है वो धर्म उस कॉलम में लिख सके। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि हम लोग इस देश के आजाद लोग नहीं है। लेकिन हर 15 अगस्त को यह बात दिल्ली के लाल किला से 2400 घंटे टीवी पर बताया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। यह 200% झूठ है। देश आजाद नहीं हुआ। अंग्रेज नाम का विदेशी गया और कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथ में यह देश की कमान दे दी। साथियों, इस देश में दो आजादी के आंदोलन चले। एक आंदोलन हम लोगों को बताया गया किताबों के द्वारा, टीवी चैनलों के द्वारा, पेपर माध्यम के द्वारा हम लोगों को बताया गया। लेकिन जो आंदोलन हमारे महापुरुषों ने जो चलाया, वो आंदोलन हम लोगों को ना ही बताया गया, ना ही पढ़ाया गया और ना ही दिखाया गया। 5वीं और 6वीं अनुसूची संविधान में कैसे आई, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ये बातें जानने के लिए कुछ बैकग्राउंड आप लोगों को मैं बता रहा हूं, ताकि हम लोगों को यह बात समझ में आए कि संविधान बनने के लिए, संविधान तैयार होने के लिए हमारे महापुरुषों ने कितना बलिदान दिया, कितना त्याग किया, कितना समर्पण किया। ये बातें हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, एक आंदोलन अंग्रेजों के विरोध में चल रहा था और एक आंदोलन इस देश में धीको लोगों के विरोध में, साहूकारों के विरोध में एक आंदोलन इस देश में चल रहा था। जो धीकू लोग थे, धीकू ये मुंडारी शब्द है जिसका हिंदी में अनुवाद होता है जमींदार, साहूकार, शाही। ये उस वक्त के और अभी के जो धीकू लोग है, ये धीकू लोग दूसरे कोई नहीं है तो जो त्रैवर्णीय है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये धीकू है। तो दो आजादी के आंदोलन चले। एक अंग्रेजों के विरोध में आजादी का आंदोलन चला जो गांधी जी के नेतृत्व में चला, और एक आजादी का आंदोलन जो आदिवासियों के आजादी का आंदोलन चल रहा था, जो मूल निवासी बहुजन समाज यानी SC ST OBC एंड माइनॉरिटी के आजादी का आंदोलन चल रहा था, वो हमारे महापुरुष चला रहे थे। राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा, रानी दुर्गावती मरावी, ये जो लोग आजादी का जो आंदोलन चला रहे थे इस देश में, ये आजादी का आंदोलन हमारे आजादी का आंदोलन था जो अभी तक सफल नहीं हुआ। हमें इतिहास में बताया गया कि 1857 का उठाव आजाद भारत का पहला उठाव था। काय का पहला उठाव भाई? 1855 में संथाल आदिवासियों का विद्रोह हुआ। 6 महीने तक विद्रोह चला, 6 महीने तक आंदोलन चला, लेकिन इस आंदोलन को आजादी के आंदोलन में लिखा नहीं गया। 6 महीने आंदोलन चला। कार्ल मार्क्स ने किताब लिखी मेक इन इंडियन हिस्ट्री, और उस किताब में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर संथाल आदिवासियों का जो 6 महीने का आंदोलन चला, अगर अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करते तो संथाल लोग
भीखू लोगों की कत्लेआम कर सकते थे, इतना विद्रोह था। लेकिन वो इतिहास में हमको नहीं बताया गया 1855 का। उसके दो साल बाद 1857 आता है, तो 1857 का आंदोलन इतिहास में लिखा, लेकिन हम आदिवासियों का आंदोलन इतिहास में नहीं लिखा, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा का आंदोलन इतिहास में नहीं लिखा। जो क्रांतिवीर बिरसा मुंडा 15 नवंबर 1875 में जन्मे, जिन्होंने उलगुलान नाम का संगठन खड़ा किया और उलगुलान नाम का संगठन खड़ा करके आदिवासियों को जगाने का कार्यक्रम झारखंड छोटा नागपुर जो एरिया है उस एरिया में उन्होंने शुरू किया। लेकिन यह इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया। जयपाल सिंह मुंडा ने जो संविधान सभा में जो हमारे लिए हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी, ये हमको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने हम आदिवासियों के लिए जो संविधानिक लड़ाई लड़ी, वो भी हमको इतिहास में पढ़ाया नहीं गया। तो इतिहास में हमको क्या पढ़ाया? गांधी, नेहरू, तिलक, आगरकर, गोखले, जोशी, कुलकर्णी, जिन्होंने हमारे समाज के लिए कुछ भी नहीं किया उनका इतिहास पढ़ाया गया। लेकिन जिन महापुरुषों ने हम आदिवासियों के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, उनका इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया। मैं चंदन लोहरा जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया, इस कार्यक्रम के माध्यम से वो समाज को इतिहास बताने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। साथियों, जो इतिहास आप लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, कभी बताया नहीं गया, उस इतिहास के बारे में आप लोगों को आज मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। आप लोग वो बातें सुनकर हैरान हो सकते हो, क्योंकि आपने वो बातें सुनी नहीं होगी, ना ही पढ़ी होगी। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इतनी गंभीर बातें हैं कि आदिवासियों की इस देश में 1250 लड़ाइयां हुई, 1250 लड़ाइयां आदिवासियों ने लड़ी। ये आदिवासी समाज अहरा गहरा नत्थु खैरा नहीं है, ये उन महापुरुषों की औलाद है जिन्होंने इस देश के देश में, जिस समाज में राजा महाराजा पैदा हुए, जहां पर गोंड राज करते थे, गोंडवाना नाम का प्रांत था, जहां पे भील राज करते थे, भीलवाड़ा नाम का प्रांत था, जहां पे महादेव कोड़ी राज करते थे, कोड़ीवन नाम का प्रांत था, जहां पे संथाल राज करते थे, माझी परगना नाम का बहुत बड़ा एक विभाग था, एरिया था। ये इतिहास है। जिस समाज में राजे रजवाड़े पैदा हुए, आज उस समाज को लाचार बनाया गया, आज उस समाज में हजारों समस्याएं पैदा की और हमको बताया गया देश आजाद हुआ। कितने लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी का अर्थ समझ में आता है? कितने लोगों को आता है? 15 अगस्त को भी वही गाने बजते हैं जो 26 जनवरी को बजते हैं, 15 अगस्त को वही झंडा लहराया जाता है जो 26 जनवरी को लहराया जाता है, 15 अगस्त को भी वही रैली निकलती है जो 26 जनवरी को निकलती है, 15 अगस्त को भी टीवी पर वही पिक्चर दिखाए जाते हैं भारत पाकिस्तान के विरोध में जो 26 जनवरी को दिखाया जाता है। क्या हमारे लोगों को 15 अगस्त और 26 जनवरी का अर्थ भी मालूम है कि भाई 26 जनवरी को क्या हुआ और 15 अगस्त को क्या हुआ? 1250 लड़ाइयां लड़ी इस देश में आदिवासियों ने, 1250 लड़ाइयां। जो बातें आपको बताई जा रही है इतनी गंभीर बातें। साथियों, ये संविधान जो बना, बनाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, वो कहानी आप लोगों को बताना चाहता हूं। इस देश में दो आजादी के आंदोलन चले, अंग्रेजों के विरोध में गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चला, देश आजादी का, आजाद हो गया देश। दूसरा आंदोलन चल रहा था देश में रहने वाले लोगों के आजादी का आंदोलन। दो बातें बता रहा हूं, एक देश आजादी का और दूसरा देश में रहने वाले लोगों के आजादी का। एक फ्रीडम ऑफ कंट्री, देश आजादी, और दूसरा फ्रीडम ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री, देश में रहने वाले लोगों की आजादी का आंदोलन हमारे महापुरुष चला रहे थे। लेकिन वो आंदोलन अभी तक सफल नहीं हुआ। साथियों, गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में हमारे महापुरुष भी शामिल नहीं थे, हमारे महापुरुष भी शामिल नहीं थे।
ना राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले शामिल थे, ना छत्रपति शाहू महाराज शामिल थे, ना क्रांतिवीर बिरसा मुंडा शामिल थे और ना ही डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर शामिल थे, बल्कि हमारे महापुरुष एक अलग आंदोलन चला रहे थे, देश में रहने वाले लोगों की आजादी का आंदोलन। शामिल नहीं थे गांधी जी के आंदोलन में, जो इतिहास बता रहा। क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की मृत्यु 9 जून 1900 में हुई। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, उसके बाद में हमारे समाज में लड़ झगड़ने वाला कोई महापुरुष पैदा हुआ? क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के बाद में कोई महापुरुष पैदा हुआ? नहीं हुआ। इस आदिवासियों की लड़ाई अकेले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर लड़ रहे थे। आदिवासी समाज बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन में नहीं जुड़ना चाहिए, इसीलिए गांधी जी ने ठक्कर बापा को, गुजरात का जो बनिया ब्राह्मण था, उस ठक्कर बापा को हमारे सिर पर बिठाया और ठक्कर बापा को पूरे देश भर में घुमाया गांधी जी ने, और आदिवासियों को कहा यह तुम्हारा नेता है। इस वजह से आदिवासी लोग डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के साथ में जुड़े नहीं, उस आंदोलन में जुड़े नहीं, ठक्कर बापा के पीछे चले गए, गांधी जी के पीछे चले गए। आज भी लोग गांधी जी को अपना मसीहा मानते हैं। मैं समझा रहा हूं, गाली नहीं दे रहा हूं, गाली क्या होती है आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हो, और जो गाली होती है वो मालिक पर दी नहीं जाती, बोला नहीं जा सकता, तो मैं समझा रहा हूं, बहुत ऑथेंटिक बात मैं समझा रहा हूं। साथियों, ये बहुत बड़ी एक लंबी कहानी है जिसको जानना और समझना बहुत जरूरी है। जब 1916 में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सार्वजनिक जीवन में आए और इस देश में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने जब हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के आजादी का आंदोलन चलाया, जब आंदोलन इस देश में चलाया, तो बाबा साहब अंबेडकर के आंदोलन को रोकने के लिए गांधी जी ने बड़े पैमाने पर प्रयास किया, बहुत बड़ा प्रयास किया, जो बात आप लोगों को बताई जा रही। 1918 में जब इस देश में साइमन कमीशन भारत में आया, क्योंकि दुनिया में कहीं पर जाति नहीं है, भारत में जाति है, तो जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया। दुनिया में कहीं पर जाति नहीं, भारत में जाति है, तो जातवार प्रतिनिधित्व देने के लिए भारत में साइमन आया। हमें जातवार प्रतिनिधित्व मिल रहा था, लेकिन हमें जातवार प्रतिनिधित्व नहीं मिलना चाहिए, इसलिए गांधी जी ने साइमन गो बैक का नारा दिया और लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इस देश में साइमन का विरोध किया। 28 में भारत में 1928 में जो विरोध हुआ, इतना बड़े पैमाने पर विरोध हुआ कि उस विरोध में लाला लजपत राय के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, लाला लजपत राय जी की हत्या हुई, जालियनवाला बाग हुआ, जालियनवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ, हजारों लोग मारे उसमें। तो अंग्रेजों ने सोचा कि भारत में कोई बात नहीं बन पा रही है, इसीलिए पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अंग्रेजों ने लंदन में बुलाई। जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में बुलाई, तो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के समस्त प्रतिनिधियों को निमंत्रण दिया गया, सब लोग गए लेकिन गांधी जी नहीं गए। भारत के बहुत सारे प्रतिनिधि लंदन नहीं पहुंचे, इस वजह से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में रखी गई। और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में रखी, तो आदिवासियों का कौन सा नेता गया? यह अधिकार मिलने का मामला था, कौन सा नेता गया? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेजों ने गांधी जी को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी गांधी जी गए। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण दिया, गए नहीं। दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में निमंत्रण नहीं दिया, गांधी जी गए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर भी वहां पर गए, और बाबा साहब अंबेडकर ने हम एससी एसटी के लिए 4 मांगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में रखी। उसमें पहली मांग थी सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है? कि आदिवासी कैंडिडेट होगा, आदिवासी ही वोटर होगा।
आदिवासी का ही कैंडिडेट होगा, आदिवासी ही वोटर होगा। यह पहली मांग थी सेपरेट इलेक्ट्रेट। दूसरी मांग थी ड्वेल वोटिंग, यानी दोबारा वोट का अधिकार। दोबारा वोट का अधिकार का मतलब अब 294 विधानसभा सभासद की आपकी विधानसभा है बंगाल की, बंगाल में 6% आदिवासी है, 16 सीटें रिजर्व है, तो सेपरेट इलेक्ट्रेट से 16 सीटें चुनकर जाएगी आदिवासी कैंडिडेट, आदिवासी वोटर। लेकिन 16 सदस्यों की विधानसभा बंगाल की नहीं है, 294 सभासद की विधानसभा है, इसलिए दोबारा चुनाव होता। और दोबारा चुनाव में फिर आदिवासी चुनाव में खड़ा नहीं होता, लेकिन आदिवासियों को वोट देने का अधिकार बाबा साहब अंबेडकर ने मांगा था। तीसरा था एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन, मतलब संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और चौथा अधिकार था एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब प्रौढ़ मताधिकार। ये चार मांगे बाबा साहब अंबेडकर ने मांगी। गांधी जी ने चार मांगों का विरोध किया, दो मांगों का विरोध किया, दो, एक सेपरेट इलेक्ट्रेट मतलब पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और दूसरा ड्वेल वोटिंग, दोबारा वोट के अधिकार का बाबा साहब अंबेडकर के इन मांगों का गांधी जी ने विरोध किया। जब गांधी जी ने विरोध किया और गांधी जी ने लंदन में ऐलान किया कि मिस्टर अंबेडकर के ये अधिकार मैं कदापि मान्य नहीं होने दूंगा, यह ऐलान किया, पेपरों में न्यूज छपकर आई, भारत में दंगा फसाद शुरू हुआ 1932 में। जब भारत में दंगा फसाद शुरू हुआ तो फिर अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया और मजबूरन बाबा साहब अंबेडकर को, गांधी जी को मिलना पड़ा, और मिलकर बाबा साहब और गांधी जी के बीच में पुना करार हुआ, पुना पैक्ट हुआ। और ये पुना करार की वजह से क्या हुआ कि हमारे जो दो अधिकार थे सेपरेट इलेक्ट्रेट और ड्वेल वोटिंग यानी पृथक निर्वाचन क्षेत्र और दोबारा वोट का अधिकार, ये पुना पैक्ट की वजह से गांधी जी ने खत्म कर दिया। जो कहानी बता रहा हूं संविधान कैसे बना, अभी 1932 में चल रहे हैं। दो अधिकार हमारे समाप्त हुए जिसकी वजह से हमारी हजारों समस्याएं निर्माण हुई। क्या हुआ जानते हो? ये पुना पैक्ट सिर्फ शेड्यूल कास्ट और गांधी के बीच में था, लेकिन गांधी जी ने पार्टी लेवल पर पुना पैक्ट आदिवासियों को भी लागू किया। इस पुना पैक्ट की वजह से क्या हुआ कि जो आदिवासियों में लड़ झगड़ने वाला जो आदमी तैयार होने वाला था, आज दलाल पैदा हुआ। पुना पैक्ट की वजह से हर जाति में दलाल पैदा किया, जिसकी वजह से हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हर पार्टी में दलाल पैदा किया, हर जाति में दलाल पैदा किया, और वो दलाल चुनाव के दौरान अपने जाति को मैनेज करने का काम करता है। आप नेता कहते हो, बाबा साहब ने उनको दलाल शब्द कहा, तो आप लोग ज्यादा बुद्धिमान हो क्योंकि आप नेता कहते हो, और बाबा साहब को अकल ही नहीं थी। बाबा साहब उनको दलाल कहते हैं। इस संदर्भ में बाबा साहब ने तीन किताबें लिखी, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। दूसरी गांधी इमेंसिपेशन ऑफ अनटचेबल, अछूतों के प्रति गांधी के विचार। और तीसरी किताब थी स्टेट एंड माइनॉरिटी, राज्य और अल्पसंख्यक। और ये तीन किताब लिखकर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि पुना पैक्ट की वजह से एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी में दलाल पैदा हुए। साथियों उसके बाद में 2 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी और बगैर चुनाव का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बना। उसके बाद में संविधान सभा का चुनाव हुआ, संविधान सभा का चुनाव मतलब अधिकार मिलने का चुनाव। और जब ये संविधान निर्माण होने का चुनाव था, अधिकार मिलने का चुनाव था, गांधी और नेहरू ने ऐलान किया कि मिस्टर अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। बिरसा मुंडा के बाद में हमारे समाज में कोई नेता लड़ झगड़ने वाला नहीं था, जो बाबा साहब अंबेडकर लड़ाई लड़ रहे थे। और जब संविधान सभा का चुनाव आया, अधिकार मिलने का चुनाव आया, तो गांधी और नेहरू ने ऐलान किया कि बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। दरवाजे बंद की बात समझ में आ रही, खिड़कियां क्यों बंद है? क्योंकि जो लड़ झगड़ने वाला व्यक्ति होता है, अगर दरवाजे बंद हुआ तो खिड़कियां भी तोड़कर आ सकता है, इसलिए कहा खिड़कियां भी बंद है। बाबा साहब महाराष्ट्र में
चुनाव में खड़े हुए संविधान सभा के चुनाव में गांधी और नेहरू ने षड्यंत्र करके बाबा साहब अंबेडकर को हराया, तब चुनाव प्रचार का क्राइटेरिया 2000 रुपए था, गांधी और नेहरू ने 25,000 रुपए खर्चा किए और बाबा साहब को महाराष्ट्र से हराए, 25,000 खर्चा किए। पहले भ्रष्टाचारी गांधी जी और नेहरू, आप लोग डरते हो, मैं डरता नहीं हूं, क्यों जानते हो, और मैं जिंदा भी क्यों हो जानते हो, संगठन शक्ति, जो संगठन में काम करता हूं और जो संगठन चलाता हूं वह ऐरो गैरो नत्थु खैरो नहीं है, 31 राज्य का संगठन है, 500 जिलों का संगठन है, 5,000 तहसील का संगठन है, 22,000 ब्लॉक का संगठन है, 2,50,000 गांव में यूनिट है, 85 हमारे ऑफशूट विंग है, मेरे सरी के 2,000 पूर्णकालीन प्रचारक है। नरेंद्र मोदी ने मुझे गुजरात में अरेस्ट किया था, 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गुजरात में अरेस्ट किया था, पूरे गुजरात में परिवर्तन यात्रा निकाली थी, 24 घंटे के अंदर छोड़ना पड़ा। यह डर हमारे समाज के अंदर जो बिठाया गया है उसको निकालना चाहता हूं, और आप भी ये मत सोचिए कि आप अकेले ही है, अभी प्रेम कुमार गेड़ाम टीका लगाने आया है तो जरूर टीका लगा कर जाएगा, और यह ऐसा टीका है मेरा कि एक बार लग जाए तो मरे तक खत्म नहीं होता, ध्यान रखो, एक बार लग जाए तो। समस्या यह है कि मेरी बात सिर्फ सुनना चाहिए, और एक बार लग गया तो फिर वो परमानेंट हो गया। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही, इतनी गंभीर बातें हैं, ये पहले भ्रष्टाचारी है और गांधी और नेहरू जो बाबा साहब अंबेडकर को महाराष्ट्र में हराए, 2000 से ज्यादा खर्चा किए, 25,000। बाबा साहब महाराष्ट्र से चुनाव हारे, मैं बंगाल के लोगों का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, ये क्रांतिकारी लोगों का, कि जिस बंगाल के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में चुनवा कर भेजा, ये क्रांतिकारी लोग है बंगाल के लोग, इस बंगाल में, ये बंगाल के लोगों का हमारे ऊपर कर्जा है। आज मैं 11 दिसंबर से पश्चिम बंगाल घूम रहा हूं, क्यों घूम रहा हूं, क्योंकि ये बंगाल के लोगों का हमारे ऊपर कर्जा है कि जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को संविधान सभा में भेजा तब जाकर संविधान का निर्माण हुआ। बंगाल में फजलुल हक की प्रजादशक पार्टी थी, वहां पर दो कैबिनेट मंत्री थे, एक जोगेंद्रनाथ मंडल और दूसरे मलिक। जोगेंद्रनाथ मंडल ने बाबा साहब अंबेडकर को चिट्ठी लिखी और कहा कि बाबा साहब आप बंगाल आइए, और जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपना इस्तीफा दिया खुद का और अपनी जगह बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में फाइट करवाया। जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने अपना इस्तीफा दिया बाबा साहब अंबेडकर के लिए। आज का विधायक देता है क्या है? आज का सांसद देता है? औकात है उसकी? जोगेंद्रनाथ मंडल ने इस्तीफा दिया और बाबा साहब अंबेडकर को चार जिला से चुनाव में खड़ा किए। वो चार जिले थे खुलनार, जसोर, फिरोजपुर, बोरीशा। ये चार जिला से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव जीत कर गए। जैसे ही चुनाव जीत कर गए, गांधी जी ने वो चार जिले पूर्व पाकिस्तान को दे दिए। आप लोग जानते हो ये कहानी, पाकिस्तान क्यों बना? लोगों ने कहा कि मुसलमानों की वजह से पाकिस्तान बना। गलत, ये गांधी जी की वजह से पाकिस्तान बना, क्योंकि गांधी जी ने ऐलान किया था बाबा साहब अंबेडकर के लिए संविधान के सभा के दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद है। ये तो गांधी जी ने ऐलान किया। अब बाबा साहब अंबेडकर महाराष्ट्र में चुनाव हारे, लेकिन बंगाल के लोगों ने चुनाव जीतवा कर भेजा संविधान सभा में। गांधी जी को लगा कि ये लड़ झगड़ने वाला व्यक्ति संविधान सभा में आया, अभी ये अधिकार लेकर ही रहेगा, इसलिए गांधी जी ने प्लान बनाया, और प्लान बनाकर गांधी जी ने भारत पाकिस्तान का मामला खड़ा किया और भारत पाकिस्तान बनने का क्राइटेरिया निर्धारित किया। जहां पर 51% मुसलमान होंगे वो एरिया पाकिस्तान जाएगा, और जहां पर 51% हिंदू होंगे वो एरिया भारत में रहेगा। जिन चार जिला से बाबा साहब अंबेडकर चुनाव जीत कर गए, वो चार जिला में 71% हिंदू थे, वो एरिया भारत में रहना चाहिए था, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की सदस्यता को खत्म करने के लिए वो चार जिले पाकिस्तान में दे दिए। अब बाबा साहब का शरीर भारत में था, सदस्यता पाकिस्तान चली गई थी, शरीर भारत में, सदस्यता पाकिस्तान में। गांधी जी ने और नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को कहा, मिस्टर अंबेडकर अगर आपको संविधान लिखना है तो पाकिस्तान का संविधान लिखो, क्योंकि शरीर भारत में और सदस्यता पाकिस्तान में। फिर संविधान का निर्माण कैसे हुआ? बाबा साहब अंबेडकर ने ऐलान किया और बाबा साहब अंबेडकर ने कहा
मैं ऐसे किसी भी संविधान को मान्यता नहीं दूंगा जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनली सेफगार्ड का मतलब है संविधानिक सुरक्षा जो नहीं देगा, ऐसे किसी भी संविधान को मैं मानने वाला नहीं हूं। यह ऐलान किया कि अगर आदिवासियों को सुरक्षा नहीं मिलेगी इस देश में, अगर शेड्यूल कास्ट के लोगों को सुरक्षा नहीं मिलेगी इस देश में, अगर मुसलमानों को सुरक्षा नहीं मिलेगी इस देश में, या पिछड़ों को अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी, तो मैं ऐसे संविधान को मानने वाला नहीं हूं। क्योंकि बाबा साहब का आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन था, देशव्यापी आंदोलन था, तभी तो जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने बाबा साहब को बुलाया था। अगर बाबा साहब का आंदोलन अगर एक राज्य का होता, एक जिला का होता और जोगेंद्रनाथ मंडल जी से संपर्क नहीं होता, तो बाबा साहब बंगाल क्यों आते? जो बातें बताई जा रही, बाबा साहब ने कहा कि हम आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट को, पिछड़ों को, मुसलमानों को सुरक्षा अगर संविधान में नहीं मिलेगी, मैं ऐसे संविधान को मानने वाला नहीं हूं। उसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमिटी का चेयरमैन बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमिटी का मतलब होता है लिखने वाले कमिटी का चेयरमैन। उस कमिटी में 7 लोगों को रखा, 7 में से 2 लोग मर गए, 5 लोग रहे, 5 में से 2 लोग विदेश चले गए, 3 लोग रहे, 3 में से 1 का घर एक दूर रहता था इस वजह से नहीं आता था, 2 रह गए और एक बीमार रहता था इस वजह से नहीं आता था। अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमिटी में रहे और अकेले बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट किया और 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान का निर्माण किया बाबा साहब अम्बेडकर ने, अकेले व्यक्ति ने। इसलिए हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को शिल्पकार कहते हैं, घटना बनाने वाले कहते हैं। ये कहानी है। 7 लोग थे, 2 मर गए, 5 रह गए, 2 विदेश चले गए, 3 रह गए, 1 दिल्ली से दूर रहता था इसीलिए नहीं आता था और 1 बीमार रहता था इसीलिए नहीं आता था, अकेले बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान का ड्राफ्ट किया। टोटल संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 395 लिखे और 395 आर्टिकल में से बाबा साहब अम्बेडकर ने आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, माइनॉरिटी के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इनके हित एवं कल्याण के लिए 65 आर्टिकल लिखे, 65। साथियों, 26 जनवरी 1950 के पहले हमारे समाज में नेता नहीं था, हमारे समाज में कर्मचारी नहीं था, हमारे समाज में छात्र नहीं था, कोई बुद्धिजीवी लोग व्यक्ति नहीं था, क्योंकि हमारे समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार 26 जनवरी 1950 के पहले नहीं था। मनुस्मृति धर्म ग्रंथ के आधार पर ब्राह्मणों ने हम लोगों को शिक्षा से वंचित रखा था, हम लोगों को संपत्ति रखने से वंचित रखा था, हम लोगों को शस्त्र रखने से वंचित रखा था। यह अधिकार 26 जनवरी 1950 के पहले पढ़ने लिखने का अधिकार हमारे समाज को नहीं था, यह नहीं था। जब 26 जनवरी 1950 में जब संविधान भारत में लागू हुआ तो 15(4)16(4) में नौकरी का अधिकार मिला, आर्टिकल 21(335) में शिक्षा का अधिकार मिला, आर्टिकल 330-332 में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने का अधिकार मिला, आर्टिकल 340 पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 341 शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन, आर्टिकल 342 आदिवासियों के लिए रिजर्वेशन, और एससी एसटी ओबीसी से जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया और जो सिख ईसाई बुद्धिस्ट मुसलमान बन गए उनको बाबा साहब अम्बेडकर ने आर्टिकल 25 से लेकर 29 तक बाबा साहब अम्बेडकर ने उनको रिप्रेजेंटेशन एंड सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन का अधिकार दिया जो हमें पहले नहीं था। नेता बनने का अधिकार नहीं था, आज नेता बन गया। जिनको आप नेता कहते हो बाबा साहब दलाल कहते हैं, आप नेता कहते हो, ये फर्क है। वो नेता आज पार्टी और हाईकमान का गुलाम है, वो नेता आज पार्टी और हाईकमान का गुलाम है। हमारे समाज में पूरे देश भर से आदिवासियों से 47 सांसद चुनकर जाते हैं, 450 विधायक चुनकर जाते हैं। जिस आदिवासी समाज में 47 सांसद और 450 विधायक हो उस समाज की समस्या खत्म होनी चाहिए थी, समस्या बढ़ रही है। तो ये लायक लोग है क्या? बाबा साहब ने तो दलाल कहा, मैं भड़वा कहता हूं इनको। बाबा साहब ने तो दलाल कहा, ये खुली मन से उनको मैं भड़वा कहता हूं। अभी इसका अर्थ आपको क्या समझ में आया मुझे मालूम नहीं। साथियों, ये बातें मैं आप लोगों को इसीलिए कह रहा हूं कि 50 के पहले नेता नहीं था, आज नेता निर्माण हुआ पार्टी हाईकमान का गुलाम है। कर्मचारी निर्माण हुआ वो परिवार में मदमस्त है, अधिकार मिला समाज के नाम पर। हम बुद्धिमान हैं, हम मेरिट में आए, रात दिन मेहनत की
अभ्यास किया, इस वजह से हम डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बने, टीचर बने, प्रोफेसर बने, कलेक्टर बने, तो व्यक्ति के नाम पर कोई संविधान में अधिकार लिखा हुआ है क्या? है कि आप बुद्धिमान हो इसलिए आपको रिजर्वेशन? संविधान में अधिकार लिखा हुआ है समाज के नाम पर, आर्टिकल 342, रिजर्वेशन इन एजुकेशन समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन सर्विस समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन प्रमोशन समाज के नाम पर, रिजर्वेशन इन पॉलिटिक्स समाज के नाम पर। आज जो भी कर्मचारी बना ये समाज के नाम पर बना, अधिकार मिले समाज के नाम पर, लगाया 100% परिवार के लिए इज इक्वल टू समाज का सत्यानाश। अधिकार मिले समाज के नाम पर, लगाया परिवार के लिए, वो अपने परिवार में मदमस्त है, उसका काम था समाज के नाम पर, अगर मुझे नौकरी मिली तो कम से कम हफ्ते में एक दिन मैं जिस गांव में पैदा हुआ, जिस मोहल्ले में पैदा हुआ, जिस जाति में पैदा हुआ, उस गांव मोहल्ले जाति में जाऊं और सिर्फ इतना ही बताऊं कि मैं टीचर कैसे बना, मैं डॉक्टर वकील कैसे बना, मैं कलेक्टर कैसे बना, अगर इतना भी अगर वो बताता तो समाज के जितने भी छात्र है मोटिवेट हो जाते। क्या हमने ये तो भी काम किया? जो भी कर्मचारी यहां पर बैठे हुए मेरी बात सुन रहे हैं, क्या उन्होंने ये भी काम किया हफ्ते में एक दिन अपने गांव में जाकर? उल्टा क्या किया जानते हो? जिस गांव में पैदा हुआ, जाति में पैदा हुआ, मोहल्ले में पैदा हुआ, नौकरी की वजह से शहर में आया, दोबारा गांव में गया ही नहीं। इस वजह से संविधान में जो अधिकार थे वो खत्म हो रहे। जो समझ सकता है वो बताना नहीं चाहता, और हमारा समाज गांव देहात में निवास कर रहा है, जिनको हजारों सालों से शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, दूर संचार साधनों से जिनको हजारों सालों से वंचित रखा, वो आदिवासी समूह जो गांव देहात में निवास करता है, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है। जो पढ़ा लिखा है, जो समझ सकता है वो जानना नहीं चाहता, और जो जानता है वो बताना नहीं चाहता। जो छात्र निर्माण हुआ आज मिसगाइडेड मिसाइल है, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, पिक्चर के माध्यम से जो बातें आपको बताई जा रही। साथियों, हमें संविधान में 65 आर्टिकल मिले, इनमें से बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में और एक संविधान निर्माण किया, और वो संविधान है आदिवासियों के लिए स्पेशल संविधान, स्पेशल राइट्स दिए बाबा साहब अंबेडकर ने, और बाबा साहब अंबेडकर ने आर्टिकल बनाई 244, ये आदिवासियों के लिए एक अलग संविधान, संविधान में एक अलग संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया। आर्टिकल 244 एक में बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, पांचवी अनुसूची का अर्थ होता है स्वायत्त शासन का अधिकार आदिवासियों को बहाल किया। स्वायत्त शासन का अर्थ क्या है? स्वायत्त शासन का मतलब होता है कि भारत सरकार से एक रुपया आदिवासियों को मांगने की जरूरत नहीं है, तो आदिवासी अपना राज खुद बनाएगा। भारत सरकार से हमें रुपया मांगने की जरूरत नहीं है, यह अधिकार है पांचवी अनुसूची, हमें रुपया मांगने की जरूरत नहीं, तो हमारा राज हम लोग निर्माण कर सकते हैं। पहला अधिकार, पांचवी अनुसूची समझना है तो यह बात समझना जरूरी है। पांचवी अनुसूची स्वायत्त शासन, जैसे भारत सरकार है उसी प्रकार से आदिवासियों की स्वायत्त शासन होगी, सेल्फ गवर्नेंस। हमें भारत सरकार से एक रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। अगर पांचवी अनुसूची अगर इस देश में अमल में होती, लागू 26 जनवरी 1950 से है, लेकिन मुझे इतना दुख हो रहा है कि भारत में सिर्फ 10 राज्य में अनुसूची 5 घोषित है, लागू है, लेकिन अमल में अभी तक नहीं आई। और दुख इस बात का है कि इस पश्चिम बंगाल में पांचवी अनुसूची घोषित ही नहीं है, महाराष्ट्र में है, मद्रास में है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में है, ओडिशा में है, झारखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में 6% आदिवासी है, 16 सीटें रिजर्व है, फिर भी नहीं है। कुछ एरिया में अबव 75% आदिवासी है, वो एरिया में भी नहीं है। मैं बंगाल घूम रहा हूं, यहां पर फॉरेस्ट एरिया है और बहुत सारे आदिवासियों के गांव कवर जोन में है, बफर जोन में है, फिर भी पांचवी अनुसूची यहां पर घोषित नहीं है। अगर पांचवी अनुसूची अगर लागू होती, लागू है, अमल में अगर आई होती, तो आदिवासियों को भारत सरकार से एक रुपया मांगने की जरूरत नहीं। तो पांचवी अनुसूची में अधिकार दिए गए। पहला अधिकार है धारा 3 में प्रशासन का अधिकार। यह प्रशासन का अधिकार क्या है? अगर मान लीजिए यह कौन सा जलपाईगुड़ी जिला है,
यह जलपाईगुड़ी जिला एक उदाहरण समझा रहा हूं। धारा 3 प्रशासन, प्रशासन कैसे चलेगा आदिवासियों का? अगर यह जलपाईगुड़ी जिला अगर अनुसूची 5 में अगर घोषित है तो यहां पे जिला परिषद में 2 टेबल होते, एक जनरल का होता एससी ओबीसी माइनॉरिटी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों के लिए, उसका सीओ एक अलग होता चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और दूसरा टेबल होता वो टेबल होता केवल और केवल मात्र आदिवासियों के लिए, और उसका सीओ आदिवासी ही होता। जिला परिषद में 2 टेबल होते, ये प्रशासन इस प्रकार से चलता। कलेक्टर एक होता लेकिन सीओ 2 होते, ये धारा 3। अब धारा 4 एक में क्या अधिकार है? अगर ये 5वीं अनुसूची अगर घोषित होता तो धारा 4 एक में लिखा हुआ है कि जनजाति सलाहकार परिषद होती, और वो जनजाति सलाहकार परिषद का चेयरमैन केवल मात्र आदिवासी होता। धारा 4(2) में लिखा हुआ है कि जो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी होती वो ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी केवल और केवल मात्र विकास एवं कल्याण के लिए काम करती। मतलब हमें भारत सरकार की जरूरत नहीं थी, हमें जनजाति सलाहकार परिषद की जरूरत थी। साथियों धारा 5(2) में लिखा हुआ है आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, अनुसूची 5 में लिखा हुआ है आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता। लेकिन आज टाटा बिरला मफतलाल अंबानी आदिवासियों की जमीन ये गैर आदिवासी लोग खरीद रहे हैं, टाटा बिरला मफतलाल अंबानी खरीद रहे हैं, और जो आदिवासी विरोध कर रहे हैं उनको नक्सलवादी करके मारे जा रहे। आपके पश्चिम बंगाल में ये नंदीग्राम एरिया में 13 आदिवासियों को मारा गया। झारखंड में ये लोग झारखंड से आए हैं हमारे समाज के धर्मगुरु, और ये मैडम झारखंड में जाजपुर नाम का जिला है, ओरिसा में, ओरिसा में जाजपुर नाम का जिला है, उस ओरिसा में 12 आदिवासी मारे गए। क्यों? वहां पर टाटा स्टील प्लांट आया और आदिवासियों की 2500 एकड़ जमीन छीनी गई। झारखंड में भी आदिवासियों के घर जलाए जा रहे हैं, उनको विस्थापन किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है। संविधान क्या कहता है? संविधान की 5वीं अनुसूची कहते हैं 5(2) में कि आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता, खरीद रहे हैं, और खरीदने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया सेज 2005 में, और बीजेपी ने कानून बनाया भूमि अधिग्रहण। आपको लगता है कांग्रेस बीजेपी अलग है? ये एक ही शरीर की 2 भुजाएं हैं। कांग्रेस ने आदिवासियों की जमीन खरीदने के लिए सेज नाम का कानून बनाया और बीजेपी ने भूमि अधिग्रहण नाम का कानून लाया। आदिवासियों की जमीन खरीदी जा रही है। अनुसूची 5 में लिखा हुआ है आदिवासी एरिया में जैसे संथालों की माजी परगना नाम का सिस्टम है, उसी प्रकार से आदिवासी एरिया में ट्राइबल पंचायत होगी, और आदिवासियों का स्वायत्त शासन कौन चलाएगी? तो एक आदिवासी पंचायत चलाएगी, और दूसरा ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी मतलब जनजाति सलाहकार परिषद चलाएगी। कितना महत्वपूर्ण अधिकार है, हमें भारत सरकार की जरूरत नहीं है, जो बातें आपको बताई जा रही। साथियों अगर आदिवासियों में अगर वाद विवाद होता है, कोई कल्चर डिस्प्यूट होता है, तो वो झगड़ा पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, वो झगड़ा कोर्ट में नहीं जाएगा, तो आदिवासी पंचायत उसको सुलझाएगी। अनुसूची 5 में लिखी हुई है, जो संतालों की माजी परगना सिस्टम जो है ना वो इधर लिखा हुआ है, वो पुलिस स्टेशन नहीं जाएगा, कोर्ट में नहीं जाएगा, आदिवासी पंचायत उसको सुलझाएगी। अनुसूची 5 में लिखा हुआ है हमारे आदिवासी एरिया में लोकसभा और किसी भी राज्य की विधानसभा को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। लोकसभा और विधानसभा को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, यह अनुसूची 5 में है। लेकिन साथियों आज इस देश में तथाकथित आजादी को 74 साल हुए, लेकिन अनुसूची 5 अमल में अभी तक नहीं लाई गई। इस बंगाल में 25 साल कांग्रेस ने राज किया, 34 साल सीपीआई के लोगों ने राज किया, और 10 साल टीएमसी के लोगों ने राज किया, लेकिन बंगाल का एक भी क्षेत्र अनुसूची 5 में नहीं लिया, और आप कहते उनको नेता। ये लड़ाई है जो आप लोगों को बता रहा हूं, दुश्मन आपको डराने का काम करेगा, अब डरना नहीं है। ये कोई हमारा जिला का या तहसील का या राज्य का संकट नहीं है, पूरे देश का है, इसलिए किसी को भी डरना नहीं है। इसलिए आप लोगों को
मेरा नंबर भी दिया जा रहा है कि जहां पर भी जो भी समस्या आती है 24 घंटे में कभी भी आप कॉल करो, आपकी सेवा में हम लोग हाजिर रहेंगे। अभी मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं, अभी मैं बंगाल में ही हूं। साथियों, जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है कि अनुसूची 5 में इतने सारे अधिकार दिए गए, अगर भारत सरकार से 1 रुपया नहीं मांगना है तो आदिवासी बगैर पैसों से अपना राज कैसे स्थापित करेगा? सवाल खड़ा हुआ, आदिवासी अपना राज कैसे प्रस्तावित करेगा बगैर पैसों से? तो पैसा कहां से आएगा? स्वायत्त शासन निर्माण करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। अगर भारत सरकार से रुपया नहीं लेना है तो पैसा कहां से आएगा? तो पैसा कहां से आएगा? तो बाबा साहब अंबेडकर ने 6वीं अनुसूची बनाई और 6वीं अनुसूची में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा सेल्फ ओनरशिप का अधिकार, मालकियत का अधिकार, 6वीं अनुसूची मालकियत का अधिकार प्रदान करती है। यह मालकियत का अधिकार क्या है? जो इस मकान में आप रहते हो तो उस मकान का हाउस होल्ड होता है, घर मालक होता है, जिसके नाम पर मकान होता है वो उसका मालक होता है। पैसा 6वीं अनुसूची से आएगा और वहां पर लिखा जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। लिखा जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी होगा। आदिवासी जिस क्षेत्र में निवास करते हैं वहां पे 89 प्रकार के धातु है, सोने है, चांदी है, हीरे है, जवाहर है, मोती है, ग्रेनाइट, मैग्नाइट, प्रोटोनियम, यूरेनियम, बॉक्साइट। और इस धातु की कीमत 80,000 लाख करोड़ रुपया है। 80,000 लाख करोड़। अगर यहां पर कोई मैथ का स्टूडेंट है या कोई मैथ का टीचर होगा तो 80,000 लाख करोड़ में जीरो कितने आते हैं मुझे बताना है कार्यक्रम खत्म होने के बाद। मैं पीजी का स्टूडेंट हूं, लगा नहीं पाया। 80,000 लाख करोड़ का मालक जल जंगल जमीन का मालक आदिवासी, और जमीन के अंदर जो धातु है उसका भी मालक आदिवासी। मतलब अगर शेड्यूल कास्ट ओबीसी मुसलमान ब्राह्मणों के खेती में अगर सोने की ईंट निकली तो वो भारत सरकार को जमा करनी पड़ती है। समझ में आ रहा है? मालक का अर्थ समझा रहा उदाहरण। अगर आदिवासी के जमीन में अगर सोने की ईंट निकली तो भारत सरकार उसका मालक नहीं है, जिसकी जमीन होगी वो उसका मालक है। इसे कहते हैं मालकियत का अधिकार। 80,000 लाख करोड़ का मालक। भारत में 2011 के गिनती के अनुसार 13,70,00,000 आदिवासी है। अगर ये 80,000 लाख करोड़ रुपया अगर आदिवासियों में बांट दिया जाए तो भारत का पूंजीपति टाटा बिरला मफतलाल अंबानी अडानी नहीं होगा तो भारत का पहला पूंजीपति आदिवासी होगा। इतने का मालक आदिवासी है, जिनको भिखारी बनाया गया, जिनको लाचार बनाया गया। ये जमीन के अंदर जो धातु है वो धातु किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री या भारत का प्रधानमंत्री नहीं निकाल सकता, उसको वो अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी भी नहीं निकाल सकती, ना ही नरेंद्र मोदी निकाल सकता है, उनको अधिकार नहीं है। अगर भारत सरकार को अगर धातु निकालना है, अगर राज्य सरकार को धातु निकालना है तो दो लोगों की परमिशन लेनी होगी। नंबर एक ट्राइबल जनजाति यानी जनजाति सलाहकार परिषद, और नंबर दो आदिवासी पंचायत ट्राइबल पंचायत। अगर ये दो लोगों ने परमिशन दी तो सरकार धातु निकाल सकती है, लेकिन वो धातु की रॉयल्टी सरकार को देनी होगी और वो रॉयल्टी रिजर्व बैंक भारत सरकार में जमा नहीं होगी तो आदिवासियों की हर जिला में बैंक होगी जिसका नाम होगा डिस्ट्रिक्ट एटोनॉमस काउंसिल। जैसे भारत सरकार की रिजर्व बैंक है उसी प्रकार से आदिवासियों की हर जिला में बैंक होगी जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट एटोनॉमस काउंसिल, और वो रॉयल्टी डिस्ट्रिक्ट एटोनॉमस काउंसिल में जमा होगी। वो जमा हुई रॉयल्टी जनजाति सलाहकार परिषद और आदिवासी पंचायत, ये वो रॉयल्टी आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए खर्चा करेगी। आया समझ में? स्वायत्त शासन कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। भारत सरकार से रुपया मांगने की जरूरत नहीं है। यह अकेला झारखंड 44 प्रकार के धातु है, अकेले झारखंड में, अकेला झारखंड पूरे देश को चला सकता है, इतना धातु झारखंड में है। लेकिन आज वो धातु चुराए जा रहे हैं। जो बातें आपको बताई जा रही, बहुत गंभीर बातें आपको बताई जा रही। साथियों, रॉयल्टी जो है वो भारत सरकार को आदिवासियों को देनी होगी। अगर हमारे आदिवासी एरिया में अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट अगर बेचना चाहती है, अगर कोई प्रोडक्ट बेचना चाहती है तो उनको परमिशन लेनी होगी, ट्राइबल पंचायत की परमिशन लेनी होगी, जनजाति सलाहकार परिषद की परमिशन लेनी होगी,
अगर हम लोगों ने परमिशन दी तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा, और वो भी टैक्स डिस्ट्रिक्ट ऑटोनॉमस काउंसिल में जमा होगा, और उन पैसों से आदिवासियों का विकास एवं कल्याण होगा। लेकिन साथियों, इस देश में पांचवी और छठवीं अनुसूची अमल करने के बजाय इस देश में अभी तक पांचवी और छठवीं अनुसूची अमल नहीं की है, और इस पश्चिम बंगाल में पांचवीं अनुसूची घोषित नहीं है, जो बातें आपको बताई जा रही। तो पांचवी और छठवीं अनुसूची से आदिवासियों को बेदखल करने के लिए 1971 से आदिवासियों को पुनर्वसन के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है, जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, धरन प्रकल्प के नाम पर, हाथी प्रकल्प के नाम पर, गेंडा प्रकल्प के नाम पर, चित्तल प्रोजेक्ट के नाम पर, फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के नाम पर आदिवासियों को जल जंगल जमीन से बेदखल किया जा रहा है, जो बातें आपको बताई जा रही। बेदखल किया जा रहा है इस देश में, ताकि आदिवासी रहेगा तो पांचवी अनुसूची अमल में होगी, अगर उसी एरिया से आदिवासियों को अगर भगाया जाए तो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया बन जाएगा। मेरी भाषा आप लोगों को कितनी समझ में आ रही है मुझे पता नहीं, आपको ज्यादा आ रही है। जो शेड्यूल एरिया होगा वो शेड्यूल एरिया नॉन शेड्यूल एरिया घोषित होगा। इसीलिए आज 27,000 कंपनियां भारत में आ रही है, और 27,000 कंपनियों को जमीन चाहिए, पानी चाहिए, जो आदिवासी के पास है। इसलिए आदिवासियों को जल जंगल जमीन से भगाया जा रहा है। अभी तो नया कानून वो लाए हैं एनआरसी, वो जो नया कानून वो लोग ला रहे हैं एनआरसी। ये एनआरसी क्या है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये नागरिकता का मामला है। अब आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, जो आदिवासी इस देश के मूल निवासी है, अब सरकार कह रही है कि हमें हमारी नागरिकता साबित करनी होगी। देखो जो बातें बताई जा रही, अब हमें हमारी नागरिकता साबित करनी होगी। मालदा में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था दिसंबर महीने में, तो 42 यानी 42 आदिवासियों के ऊपर मालदा में केसेस हुए। जब केसेस उनके ऊपर हुए तो हमने वकील लगाया संगठन के द्वारा बेल लगाने के लिए, तो उनका आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत थी। जानते हो बहुत सारे लोगों के पास, वो 42 में से बहुत सारे लोगों के पास एक तो आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास वोटिंग कार्ड नहीं है। मामला समझ में आ रहा है? एक तो ऐसा मामला वहां पर ध्यान में आया कि वो 42 लोगों में एक व्यक्ति का नाम ऐसा पुलिस वालों ने डाला, मामला 2019 का है और 2017 में ही वो आदमी मरा हुआ है, उसका भी नाम उसमें पुलिस वालों ने लिख दिया। आदमी मरा 2017 में, केसेस हुई 2019 में, ऐसे फर्जी केस बनाते हैं। तो ये आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ये एनआरसी में इंपॉर्टेंट नहीं है। एनआरसी में इंपॉर्टेंट है जन्म प्रमाण पत्र। आज भारत में 7,20,000 गांव है, उनमें से 3.5 लाख गांव में सिर्फ ग्राम पंचायत है। भारत में 2.5 लाख गांव में सिर्फ 2.5 लाख गांव में स्कूल नहीं है, तो हमारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र कहां से होगा? वो कह रहे हैं कि 1970 के पहले का डॉक्यूमेंट होना चाहिए, 1970 के पहले का। और 1971 से आदिवासियों का इस देश में अलग अलग प्रोजेक्ट के नाम पर विस्थापन करना शुरू कर दिया। हमारे लोगों के घर जलाए गए, हमारे लोगों के पास खेती है तो दस्तावेज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अभी साथियों, इस साल एनपीआर होने वाला है, एनपीआर ये जनगणना से जुड़ा हुआ मामला है। वो आप लोगों को कह रहे हैं हिंदू लिखना होगा, अगर हिंदू लिखते हैं तो हम नागरिकता देंगे, लेकिन आदिवासी अलग अलग धर्म को मानते हैं। जब अलग अलग धर्म को आदिवासी मानते हैं, हम लोग इस देश में मिलजुल कर ये आंदोलन चला रहे हैं कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड कॉलम दिया जाए, ताकि आदिवासी कोई प्रकृति पूजक को मानता है, कोई सरना धर्म को मानता है, कोई गोंडी धर्म को मानता है, कोई कोया पुनेम को मानता है, तो जिस धर्म को मानता है वो लिखने का उसको अधिकार होना चाहिए। ये मांग पूरे देश भर में चल रही है, लेकिन वो हमारे आदिवासी भाइयों को डरा रहे हैं। क्या कहते हैं जानते हो?
हिंदू लिखना होगा। अगर हिंदू नहीं लिखोगे तो अधिकार नहीं मिलेंगे। तो उनको पूछने का, हिंदू के नाम पर संविधान में कौन सा अधिकार लिखा हुआ है थोड़ा बताओ तो। हिंदू के नाम पर शिक्षा का अधिकार नहीं है, हिंदू के नाम पर नौकरी का अधिकार नहीं है, हिंदू के नाम पर राजनीतिक अधिकार नहीं है, हिंदू के नाम पर ना रिजर्वेशन है, नौकरी है, कोई भी अधिकार नहीं है। धर्म सिर्फ जीने का साधन है, धर्म सिर्फ एक अनुशासन है, धर्म सिर्फ इंसान को बताने वाला एक मार्ग है। धर्म के नाम पर संविधान में कोई अधिकार नहीं है, अधिकार है शेड्यूल ट्राइब के नाम पर। लेकिन हमारे भोले भाले आदिवासियों को आकर वो कहते हैं हिंदू लिखो। अगर आप हिंदू लिखोगे तो अपनी पहचान समाप्त कर दोगे, खो दोगे। जो बातें आपको बताई जा रही है साथियों, 1970 का वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। और अभी भारत में जनगणना होगी, एनपीआर होगी। एनपीआर में आपको चार बातें पूछी जाएगी। पहली बात, आपको जानकारी लेंगे ओरली, मौखिक जानकारी लेंगे, और आपको कहेंगे कि हम मौखिक जानकारी मांग रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट थोड़ी ना मांग रहे। तो आपसे मौखिक जानकारी लेंगे, फिर वो जानकारी ब्लॉक ऑफिस पर जमा होगी। उसके दो पार्ट होंगे, एक जानकारी के आधार पर जो भारत के नागरिक साबित हो सकते हैं उनकी एक लिस्ट बनेगी, और दूसरी लिस्ट बनेगी जानकारी के आधार पर जो भारत के नागरिक साबित नहीं हो सकते, वो डाउटफुली सिटीजनशिप में उनको डाला जाएगा। जिनको डाउटफुली सिटीजनशिप में जिनकी लिस्ट बनेगी, दूसरा पॉइंट है, उनको लीगल नोटिस भेजा जाएगा। और लीगल नोटिस के अंतर्गत उनको पूछा जाएगा कि जानकारी के आधार पर आप भारत के नागरिक साबित नहीं हो रहे हो, तो कृपया आप डॉक्यूमेंट्स दस्तावेज ब्लॉक ऑफिस पर जमा करो। अब हमारे लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो जमा नहीं कर सकते। अगर जमा नहीं करेंगे तो हमारे लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। जो आदिवासी इस देश का मूल निवासी है, डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, दस्तावेज के आधार पर अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाएंगे। तो तीसरा बिंदु है ट्रिब्यूनल एक्ट। ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत जो लोग डॉक्यूमेंट्स से नागरिक साबित नहीं होंगे, तो ट्रिब्यूनल एक्ट के अंतर्गत उनको पूछा जाएगा आप किस देश के नागरिक हो। आप बांग्लादेश के हो, पाकिस्तान के हो, नेपाल के हो, भूटान के हो, जापान के हो, जर्मनी के हो, रशिया के हो, अमेरिका के हो, किस देश के नागरिक हो। जिस देश के नागरिक हो वहां के डॉक्यूमेंट सादर करो। अब भारत के ही नागरिक हमारे लोग साबित नहीं कर पाएंगे, तो किस देश के नागरिक है वो कहां से साबित कर पाएंगे। तो फिर चौथा बिंदु है डिटेंशन कैंप। जो आसाम में 6 डिटेंशन कैंप बनाए गए, डिटेंशन कैंप 4,000-5,000 लोगों को एक ही कैंप में डाला जाएगा। आप 4,000-5,000 लोगों को एक ही कैंप में डाले गए तो महिलाओं की क्या सुरक्षा है, लड़कियों की क्या सुरक्षा है डिटेंशन कैंप में। 4,000-5,000 लोगों को एक ही कैंप में रखा जाएगा, और जैसे ही आप डिटेंशन कैंप में जाओगे, सबसे पहले वोट के अधिकार से आपको वंचित किया जाएगा, दूसरा संविधानिक अधिकार से वंचित किया जाएगा, तीसरा भारत सरकार के सभी फैसिलिटीज से, सुख सुविधाओं से आपको वंचित रखा जाएगा। ये आसाम में हुआ है। आसाम में तारा प्रजापति, दिनेश प्रजापति, जब ये भारत के नागरिक साबित नहीं हो पाए तो इनको डिटेंशन कैंप में जाना पड़ा। उन्होंने गुवाहाटी हाईकोर्ट में अपील की, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया आपको 10 साल का समय दिया जाता है, 10 साल के अंदर आपको नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। अगर आपने 10 साल के अंदर नागरिकता साबित नहीं की तो आपको फिर से डिटेंशन कैंप में जाना पड़ेगा। 10 साल के लिए आप आसाम में रह सकते हो, लेकिन वोट का अधिकार आपको नहीं मिलेगा, संविधानिक अधिकार आपको नहीं मिलेंगे, और भारत की किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटीज आपको नहीं मिलेगी। अगर मान लीजिए अगर कल उनके ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और वो पुलिस स्टेशन गए और उन्होंने कहा एफआईआर लिखो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, तो पुलिस कहेंगे पहले नागरिकता सर्टिफिकेट लाओ, कहां से देंगे हमारे लोग। इसलिए बाम से भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद, हम लोग एनआरसी को लेकर इस देश के सरकार को हम लोग कहना चाहते हैं कि आप अगर एनआरसी लागू करना चाहते हो तो लागू करो, करो लागू। लेकिन हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप एनआरसी लागू करना चाहते हो तो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है, वो कौन सा, हमारे बाप ने हमको पैदा किया यही हमारा डॉक्यूमेंट्स है, उसका खून हमारे अंदर है। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप नागरिकता प्रमाण पत्र अगर साबित करने की बात करते हो
तो हमारे पास कोई कागज पत्र नहीं है, लेकिन एक डॉक्यूमेंट हमारे पास है कि हमारे बाप ने हमको पैदा किया, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप एनआरसी लागू करना चाहते हो तो डीएनए बेस एनआरसी लागू करो, जो भारत का होगा वो भारत में रहेगा और जो विदेश का होगा वो अपना एड्रेस ढूंढेगा और जाएगा। डीएनए बेस एनआरसी। डीएनए क्या है? मेरा बच्चा मेरा है या नहीं, अगर ये जानना है तो बच्चे का डीएनए और उस बाप का डीएनए टेस्ट होता है। डीएनए बेस एनआरसी लागू करना होगा और डीएनए के आधार पर एससी एसटी ओबीसी एंड माइनॉरिटी भारत के मूल निवासी है और ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी है, जिनकी संख्या 3.5% है। साथियों, इस देश में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची अभी तक अमल में नहीं आई। इतने संवैधानिक अधिकार होने के बावजूद भी अमल में नहीं आई, उसके दो कारण है। पहला कारण, इस देश का शासक आदिवासी नहीं है, इस देश का शासक आदिवासी नहीं है, ब्राह्मण है। 55 साल कांग्रेस ने राज किया, 19 साल बीजेपी ने राज किया। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। कांग्रेस किसने बनाई? 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस बनी। चटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी, आगरकर, गोखले, तिलक, ये सारे के सारे ब्राह्मण थे। कुछ बंगाल के ब्राह्मण थे, कुछ महाराष्ट्र के ब्राह्मण थे, इन्होंने कांग्रेस बनाई। उस कांग्रेस में डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार नाम का ब्राह्मण नागपुर का वो काम करता था और महाराष्ट्र में विदर्भ का जनरल सेक्रेटरी था 1935 तक। उसने 1925 में आरएसएस बनाई। उस आरएसएस में आपके बंगाल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी नाम के ब्राह्मण थे जो आरएसएस को चलाते थे। उन्होंने 1951 में जनसंघ बनाया। उसी जनसंघ का नाम 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी नाम के दो ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी रखा। यानी कांग्रेस ने आरएसएस बनाई, आरएसएस ने जनसंघ बनाया, जनसंघ का दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी रखा। मतलब कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस आरएसएस बीजेपी, ये ब्राह्मणों के दल है। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है, कांग्रेस आती है। आप लोगों को लगता है ये अलग अलग है, हम कहते हैं ये चचेरे भाई है, मौसेरे भाई है। रिश्तेदारी में कांग्रेस दादी है, आरएसएस बाप है, बीजेपी पोता है। दादी जाती है, पोता आता है, पोता जाता है, दादी आती है। आप लोगों को लगता है अलग है, कोई अलग नहीं है, एक ही शरीर की दो भुजाएं हैं। जिनको आप अपना नेता मानते हो वो क्षेत्रीय नेता बन गए। समस्या राष्ट्रव्यापी है, 5वीं अनुसूची पूरी देश की समस्या है। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता बन गए, राज्य तक सीमित हो गए। मायावती, मुलायम सिंह यूपी तक सीमित, नीतीश कुमार, जीताराम मांझी, चिराग पासवान, लालू प्रसाद यादव बिहार तक सीमित, शुभ सोरेन जी, अर्जुन मुंडा झारखंड तक सीमित, इधर छोटू भाई वसावा गुजरात तक सीमित, महाराष्ट्र में शरद पवार, रामदास अठावले, प्रकाश आंबेडकर महाराष्ट्र तक सीमित। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता बन गए। आगे जाकर हमारे नेताओं को जाति के नेता बनाए। मायावती चमारों की नेता, मुलायम सिंह यादव का नेता, नीतीश कुमार कुर्मी का नेता, जीताराम मांझी मांझी मुसर का नेता, लालू प्रसाद यादव यादव का नेता, चिराग पासवान पासवान का नेता, शुभ सोरेन संतालों का नेता, अर्जुन मुंडा मुंडाओं का नेता, छोटू भाई वसावा भील का नेता, शरद पवार मराठों का नेता, रामदास अठावले प्रकाश आंबेडकर मारो का नेता। हमारे नेता क्षेत्रीय नेता, हमारे नेता जाति के नेता। लेकिन सोनिया गांधी देश का नेता, अमित शाह देश का नेता, राहुल गांधी देश का नेता, अडवाणी देश का नेता। हमारे नेता संथालों के नेता, जाति के नेता। अब ये प्रेम कुमार गेड़ाम आपको समझा रहा है, पूरे देश भर में समझाता हूं। करीबन 32 स्टेट में मेरे कार्यक्रम हुए, 322 जिलों में मेरे कार्यक्रम हुए। यूट्यूब पर मेरा नाम लिखोगे तो 500 स्पीचेस मिलेगी। फिर भी हमारे लोग जाति ढूंढेंगे कि ये किस जाति का आदिवासी है। समझ में आ रहा है? हमारे नेता जाति के नेता, लेकिन ब्राह्मण देश का नेता। वारे पट्टी शेर। साथियों, दो समस्या है 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची अमल में ना आने की। पहली कि इस देश का शासक आदिवासी नहीं है, इस देश का शासक ब्राह्मण है और ब्राह्मण डीएनए के आधार पर विदेशी है और विदेशी लोग इस देश में राज कर रहे। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी इस देश का हुक्मरान बना। दूसरी समस्या, आप जिनको अपना नेता मानते हो वो पार्टी हाईकमान का गुलाम है, वो हमारी समस्या का समाधान करेगा नहीं। समस्या हमारी, अगर आप समाधान अटल बिहारी, समाधान सोनिया गांधी, समाधान अडवाणी,
समाधान अगर आप टीएमसी ममता बनर्जी कहोगे तो हमारी समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इस बंगाल में भी 6% आदिवासी, 22% शेड्यूल कास्ट, मुसलमान 30% है, ओबीसी 40% है, हम एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की संख्या 95% है और इस बंगाल में 1.8% ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण इस बंगाल में राज कर रहा है। चाहे वो कांग्रेस का हो, कम्युनिस्ट का हो, टीएमसी का हो, ब्राह्मण ही राज कर रहा है, लेकिन 6% आदिवासियों का अभी तक राजा नहीं बना, 22% शेड्यूल कास्ट का अभी तक राजा नहीं बना, 40% ओबीसी का अभी तक राजा नहीं बना और 30% मुसलमानों का अभी तक राजा नहीं बना। चाहे कांग्रेस का ब्राह्मण हो, बीजेपी का ब्राह्मण हो, टीएमसी का ब्राह्मण हो, कम्युनिस्ट का ब्राह्मण हो, शासक ब्राह्मण ही रहता है और जिनको आप अपना नेता कहते हो वो हमारा नेता नहीं है, तो पार्टी हाईकमान का गुलाम है। अगर हम लोगों को इस देश में अगर हमारी समस्या का समाधान करना है तो हमें समाज में लाल पैदा करना पड़ेगा, हर जाति जाति में लाल पैदा करना पड़ेगा और लाल पैदा करने के लिए ऐसे जागृति के कार्यक्रम हम लोगों को लगाने होंगे जैसे चंदन लोहारा जी ने आगे आकर ये कार्यक्रम लगाया। दलाल को दलाल बोलने से काम नहीं होगा, दलाल को खत्म करना चाहते हो तो समाज में लाल पैदा करना पड़ेगा। दुनिया में परिवर्तन के तीन पर्याय है, दो है, दो पर्याय, एक है बैलेट और दूसरा है बुलेट। आखिरी बात समझा रहा हूं, एक है बैलेट और दूसरा है बुलेट। अगर बुलेट हाथ में लेते हो तो नक्सलवादी करके मारे जाओगे, आतंकवादी कह के मारे जाएंगे, इस बात को और इस विचारधारा को भी हम लोग नहीं मानते। दूसरा है बैलेट, लेकिन आज विधेयक पालिका कांग्रेस बीजेपी कम्युनिस्टों के नियंत्रण में चली गई, बैलेट भी हमारा नहीं रहा। आखिरी पर्याय आपको बताते हुए मेरी बात खत्म करना चाहता हूं, अगर ये लड़ाई लड़ना चाहते हो तो तीसरा पर्याय है जन आंदोलन। भारत की पॉपुलेशन 35 करोड़ थी, 1 करोड़ लोगों को गांधी ने इकट्ठा किया, 11.5 लाख अंग्रेज भाग गए। नेल्सन मंडेला ने जन आंदोलन किया, साउथ अफ्रीका आजाद हो गई। अगर आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हो तो समस्या एक जिला की नहीं है, समस्या एक राज्य की नहीं है, समस्या किसी प्रांत की नहीं है, समस्या किसी जाति की नहीं है, तो समस्या पूरे भारत की है और 6,743 जाति है, 850 आदिवासियों में जाति है, हम सबकी समस्या है। तो हमारा संगठन देशव्यापी होना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, हमारा संगठन सभी जातियों को जोड़ने वाला होना चाहिए। और नंबर तीन, अगर समस्या देशव्यापी है तो संगठन भी 6 लाख गांव का होना चाहिए। 6 लाख गांव में कैसे पहुंचना है आपको सोचने की जरूरत नहीं है, 6 लाख गांव में कैसे पहुंचना है ये संगठन सोचेगा। आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, आपके एरिया में जितने गांव है, जिन्होंने मेरे विचार अभी तक सुने हैं, उन लोगों को अपने गांव के आसपास के लोग, आसपास के एरिया में और अपने रिश्तेदारी में, दोस्त में, मित्र में, सगा संबंधी में सिर्फ प्रचार करना है। 6 लाख गांव में कैसा पहुंचना है ये हमारे ऊपर छोड़ दो, ये हमारा हुनर है संगठन का। अगर साथियों दुश्मन संगठित तरीके से हम लोगों को गुलाम बना रहा है, अगर हम लोग आइसोलेशन में रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, अलग अलग रहकर लड़ाई लड़ेंगे तो ये लोग हमारी पिटाई करेंगे। इसीलिए हमें पिटने लायक बनना होगा। हमारी संख्या इस देश में ज्यादा है, 85% लोग है, हम लोग अगर मिलजुल कर अगर ये लड़ाई हम लोग लड़ते हैं तो आने वाली दिनों में हम लोग इस देश के शासक बन सकते हैं। तो तीसरा पर्याय है जन आंदोलन। 6 लाख गांव में आंदोलन की तैयारी करनी होगी। अगर एक गांव में 50 लोग तैयार करते हैं 6 लाख गांव में 6 करोड़, एक गांव में अगर 100 लोग तैयार करते हैं 6 लाख गांव में 6 करोड़, अगर एक गांव में 150 लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 9 करोड़, एक गांव में अगर 200 लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 12 करोड़, एक गांव में अगर 250 लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 15 करोड़, अगर एक गांव में अगर 300 लोग इस विचारधारा के तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 18 करोड़, मिनिमम 3 करोड़ और मैक्सिमम 18 करोड़ लोगों को एक ही दिन एक ही समय पर अगर रोड पर उतारते हैं तो इस देश में 6 लाख गांव में ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम बंद हो जाएगी। ये जो गाड़ियां रोड पर चल रही है ये रुक जाएगी, ट्रेन रुक जाएगी, तो इस देश में जन आंदोलन होगा। जन आंदोलन से ही हमारी आजादी की मुक्ति है। अगर आने वाले पीढ़ी को रोकना चाहते हो गुलामी से, आने वाले जनरेशन का भविष्य बनाना चाहते हो तो इस देश में माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, जो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके नेतृत्व में इस देश में आजादी की
तैयारी, आजादी आंदोलन की तैयारी इस देश में शुरू हो चुकी है। आप सभी बंगाल के आदिवासी भाइयों से ये मैं अपील करता हूं कि वामन मेश्राम साहब के इस राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन में हम सब लोग आदिवासी मिलजुल कर साथ और सहयोग से ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, ऐसा आप लोग करोगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए सबका आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय जोहार, जय उलगुलान, धन्यवाद।